इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन करके उनकी राय लेकर के पूरे ज़िले में जितनी जमातें हैं, जितने जमात के बड़े हैं और लीडर्स हैं, उन सब की राय यही थी कि सरकार से हम रिक्वेस्ट करें कि ये लॉकडाउन जो है और जो भी उसके कंडीशंस है, जो 17 तारीख तक है, इसे 27 तारीख तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो बार बार डेट एक्सटेंड करना या रिक्वेस्ट करना ये कुछ संस्थाएं कर रही थी, तो हम समझते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल ऑफ दिस कंट्री, टिल द ईद, टिल आफ्टर द ईद, we want people to maintain the status quo that is being maintained today. लोगों से हम ये भी गुजारिश कर दिए हैं और समझाए हैं सबको कि बहुत इकोनॉमिक डिप्रेशन भी है फिलहाल में, फजूल खर्ची या गैर ज़रूरी खर्च अब वो ना करें, इट इज़ ए रिक्वेस्ट एंड ए नीड टू सेव वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव फॉर द फ्यूचर, आगे के लिए हमें कुछ बचा के रखना है, क्योंकि हालात कब कैसे आएंगे, कब क्या होगा, सब अनसर्टन है, सभी अनसर्टन है। और डीसी साहब से अभी मिलके हमने एक अंजुमन इस्लाम की तरफ से चिट्ठी दी है कि ऑफिशियली आप इसको ईद के बाद तक एक्सटेंड कीजिए करके। कल मैंने खुद ऑनरेबल होम मिनिस्टर कर्नाटका श्री बोम्मई से भी बात की और हमने कहा कि ऐसे ऐसे हम लेटर दे रहे हैं, वो ही वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, और वो स्टेट लेवल पे भी हमने कॉपी भेजी है इसकी, अगर स्टेट भर में भी होता है तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, तो घूमना फिरना बेकार का बंद हो जाएगा, हम हमारी नमाज़ें जैसे घर में पढ़ रहे हैं नमाज़ अदा करते रहेंगे, कबूल करना अल्लाह के हाथ में है, यहीं से भी जहाँ से भी आप नमाज़ पढ़ो, वक्त की ये ज़रूरत है, और दुआ करते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ पे आ जाए, हमारे तरफ से किसी को, किसी की तरफ से हमको ये तकलीफ़ ना हो, हमें भी ना हो, किसी और को भी ना हो। सरकार से और भी एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हिंदुस्तान के अंदर ही जो इधर उधर लोग फैमिली से अपने दूर हो गए हैं कुछ वजह से, कोई तिजारत के लिए गया होगा, कोई स्टडीज़ के लिए गया होगा, जैसे बिहार इधर उधर के जो वर्कर्स थे उनको वापस भेजा जा रहा है, ऐसे चंद लोग जो आ रहे हैं, अगर हॉटस्पॉट से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली उनकी टेस्टिंग की अरेंजमेंट बॉर्डर्स पे करें, विद फी और विदाउट फी दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड, उस जगह पे उनकी उनको डायग्नोस किया जाए, अगर अफेक्टेड है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए, अगर नॉट अफेक्टेड है तो उन्हें फिर अपने घर जाने की इजाज़त दी जाए, बट दीज डिसीजन आर टू बी टेकन इमीडिएटली। कोई रास्ते पे दो दिन तीन दिन खड़ा होता है और खड़े रहने के वजह से अगर बीमार होता है या कुछ और वजह से वो तकलीफ उठाता है, तो ये कोई भी हिंदुस्तान के नागरिक के लिए हम निगलेक्ट किए जैसा होता है, फॉर एनीबडी, कास्ट कम्युनिटी डज नॉट मैटर इन दिस। अब हज़ारों के तादाद में माइग्रेंट्स जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो कोई रिलीजन नहीं है, वो वर्कर है तो वर्कर है, दैट इज़ ऑल, एंड दे हैव टू गेट बैक होम। तो ऐसे सूरत में हम चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे सबसे, अभी तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि ऐसे टाइम पे प्रोटेस्ट करना सही नहीं होता है, तो रिक्वेस्ट थोड़ा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सरकार की नज़र ऐसे मामलों, माइक्रो मामलों पर जाए जहाँ जिसको भी तकलीफ़ है, चाहे एक ही क्यों ना हो, वो एक हिंदुस्तान का वासी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई बड़ा आदमी है, ही हैज़ टू बी अटेंडेड टू इमीडिएटली। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ये काम पे लगे हैं, तो somebody कैन गो एंड टेस्ट और somebody कैन ब्रिंग देम एंड हैव देम टेस्टेड, दैट शुड नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। एंड माई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर बेलगाम स्पेशली, बिकॉज ही इज सराउंडेड बाई बॉर्डर्स फ्रॉम थ्री साइड्स हियर, इज़ टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड ऑन द स्पॉट। क्या हो रहा है कि लोग निकल चुके हैं अपने दूसरी जगह से, वहाँ के स्टेट की परमिशन लेके वो आधे रास्ते में यहाँ के कायदे बदल रहे हैं अंदर लेने के,
तो सर्कुलर्स आर कमिंग एवरी 2 hours और एवरी 2 days और एवरी हाफ डे विच इज़ नॉट करेक्ट, पीपल कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड इन दैट मैटर. तो एनी वे आप सबको हम चाहेंगे कि आप सब अपनी तबीयत संभालें, आप सबको मालिक बचा के रखे, आपके फैमिलीज के साथ में ज़्यादा मत घूमिए. और सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लॉकडाउन हमने एक्सटेंड करने का रिक्वेस्ट किया है उसको मंजूरी दें, और उसके साथ साथ जो भी विद इन द कंट्री, जब हम अमेरिका से यूए से लाने को इतना बड़ा इंतज़ाम कर रहे हैं और 50 किलोमीटर बॉर्डर पे हमारे लोग फंसे हैं, ये दिखने को भी अच्छा दिखता नहीं है. तो उसको जल्द से जल्द कोई रिजल्ट लेके भी उनको हम वापस नहीं भेज सकते, उनको घर लाना चाहिए. हम नहीं कहते कि जो गुजरात से आ रहे हैं उनको गुजरात वापस भेजो करके, उनको हम यहाँ लाएंगे, ला के उनको ट्रीट करवाइए, टेस्ट करवाइए और फिर फैसला लीजिए. दैट इज ऑल आई हैव टू से टुडे. थैंक यू वेरी मच. पूरे बेलगाम सिटी के हर मोहल्ले के जमात के सदर थे. इस मीटिंग में 2 अहम फैसले लिए गए. सबसे पहले कि जो कोरोना का COVID-19 का जो वायरस का पूरी दुनिया भर में हमारे वतन में जो फैल चुका है, ऐसे सूरत में मस्जिद में नमाजें तो नहीं हो रही है, और जब नमाज नहीं हो रहे हैं तो हम नए कपड़े क्या लेंगे. ज़रूरी ये है कि नए नई साफ कपड़े पहने, अपना दिल साफ रखें और इसी तरीके से अपनी ईद मनाएं, और फजूल की खर्ची फजूल का खर्चा ना करें, क्योंकि ये बीमारी कब तक आगे सब चलेगी हमको पता नहीं. उसके लिए आगे तक पैसा बचा के रखें, और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें, चाहे अपने पड़ोस में, चाहे अपने मोहल्ले में हो, चाहे सिटी में पूरे हो, जहाँ भी आप मदद कर सकते हो वो मदद करें. सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, बीमारी किसी से किसी को भी लग सकती है, जाके आगे जाके अपने परिवार को अपने बच्चों को लगा सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ बहुत एहतियात से करें. दूसरा ये फैसला लिया गया है अंजुमन इस्लाम में, जहाँ पे हमारे उलमा इकराम का एडवाइस के ऊपर कि जो लॉकडाउन 17 तारीख तक है, ये 17 से बढ़ा के ईद के आगे तक किया जाए. क्योंकि हमने हमेशा हर साल देखा है कि ईद के आखिर का जब वक्त आता है तो बाज़ार में भीड़ बढ़ जाती है, और भीड़ बढ़ने से बीमारी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पूरे शहर के लिए अच्छा है, हम सब की सेहत के लिए अच्छा है. और हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि सिर्फ बेलगाम जिले में ही नहीं, तमाम स्टेट में हमारे राज्य के हर नागरिक का हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, हर नागरिक की सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है. ये पूरा बेलगाम का एग्जाम्पल लेके पूरे स्टेट में ये कानून लागू किया जाए. अभी हमने डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट का लेटर दिया है कि लॉकडाउन बढ़ाए दिया जाए. थैंक यू वेरी मच.